राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हम पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बावजूद हम लोग कसम खाए हैं उनके साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति में कसम की कोई अहमियत नहीं होती। वहीं बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पूर्व सीएम ने कहा कि हिंदुस्तान कई धर्मों को लेकर चलने वाला देश है और यहाँ पर किसी एक धर्म के बारे में बोलना सही नहीं होगा। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात पर कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए फिट हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं, उनको साथ रहने के लिए हमने कसम खाई है। राजनीति में कसम नहीं होता है, लेकिन हमने कसम खाई है। लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थोड़ा सा कमी किया है कि हमारा दो विभाग था, विभाग काट करके एक विभाग रखने का काम उन्होंने किया है, जिससे हमको बहुत घाटा हो रहा है। ये मांग उनसे हम करेंगे। और एक बात और भी हम लोग ने कहा है कि कांग्रेस का हो चाहे तो या CPM के हो तो वो सब लोगों ने मांग किया है और हमने भी मांग किया है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो निर्णय होते हैं वो गलत हो जाते हैं।